प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर आधारित खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी स्टारर भोजपुरी फिल्म संघर्ष को शानदार सफलता मिली है। इस फिल्म के शोज मल्टीप्लेक्स में भी हाउसफुल चल रहे हैं। आज पटना के पीएनपीएम मॉल स्थित सिनेपोलिस में संघर्ष हाउसफुल रही, तो वहीं मुजफ्फरपुर में भी दर्शक बेसब्री से इस फिल्म के टिकट के लिए कतारों में दिखाई दिए। यहाँ तक कि पहली बार ऐसा हुआ है जब भोजपुरी फिल्म के टिकट बुक माई शो वेबसाइट के जरिए भी बिक रहे हैं। जहां तक फिल्म की बात है तो संघर्ष को लेकर लोगों में शुरू से ही उत्सुकता थी। ये फिल्म लव स्टोरी वाली तो है ही, साथ ही इसमें एक गहरा मैसेज छुपा है जिसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पराग पाटिल ने बड़े पर्दे पर उतारा। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी का किरदार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि ये महिला प्रधान फिल्म है, इसलिए इसमें काजल मेन लीड रोल में है। साथ में रितु सिंह भी हैं, इनकी एंट्री जबरदस्त है, दर्शक चौंक जाते हैं। वो एक्शन के जरिए एंट्री करते हैं, उनके स्टंट काफी प्रभावशाली हैं। इस बारे में वो कह चुकी हैं कि मैंने डायरेक्टर से आग्रह किया था कि मेरी एंट्री कुछ अलग तरीके से हो, जिसके बाद पराग पाटिल ने मुझे एक्शन भी करवाया। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।